मुझे कसाब की गोली लगी थी 26/11/2008 के दिन। तुमने धमाका हुआ बहुत जोरदार। ऐसी सिचुएशन में ये तो तय था कि कल की सुबह हम देख नहीं पाएंगे। सात बजे टाइम था, एकदम से धमाका हुआ बहुत जोरदार, पूरे बाजार में अंधेरा छा गया। पूरा मेरे मुंह पर सर पर पूरा ब्लीडिंग हो गया और मैं मरने का सोंग करके मैं गाड़ी में चुपचाप ऐसा बैठा रहा। बहुत भयानक आवाज हुई, मैं पागल हो गया। मेरे को लगा कि क्या हो गया, समझ में नहीं आया। मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। दो लोग इंजर्ड हुए थे, उनको कोई स्कूटर पे, कोई गाड़ी में, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई हाथ में उठा के लेके जा रहे, तब लगा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा हादसा हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एवरी सिंगल टेररिस्ट अटैक। आरएसएस के वो उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे थे। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism. कोटा जैसे कानून को बनाने के स्थान पर, उसको सुदृढ़ करने के स्थान पर, उसको समाप्त करने की बात की जा रही हो और वो भी एक अध्यादेश के द्वारा की जा रही हो, ये एक बहुत ही अनुचित बात। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आपको बता दें, उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हुए हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के जवानों ने पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। हालांकि में जाकर एसआईटी रणनीति पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे। ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे 12 आतंकी ट्रेनर और पहली मंजिल पर आराम फरमा रहे 97 आतंकियों को चैन ही मिली होगी। एनआईए की टीम ने देश भर में 100 से ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहां पर छापेमारी की है। खुदा के लिए कोई हमें इस अंधेरे से निकालने का कोई रास्ता बताए। कंगाली पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी होती जा रही है। भारत माता की। आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है।